एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बनाने जा रही हूँ डोरमेट, जिसे बनाने के लिए मैंने चार कलर की मैक्रम ली हुई है तो, और इसको मैंने बहुत ही इजी तरीके से बताया हुआ है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, इसमें मैंने 15 फंदे डाल लिए हैं। 10 फंदे मैंने फ्रोजी कलर से डाले हैं, एक मैंने येलो डाला है और 4 फंदे ब्लैक डाले हैं। और मैं इसमें चार ही कलर की मैक्रम ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो पुरानी साड़ी है चुन्नी से भी बना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ से मैं फर्स्ट रो बनूंगी। ये 4 फंदे जैसे हैं उनको वैसे ही बनाना है इस तरीके से। और देखिए, यहाँ से देखिए इस फंदे पे मैं जाली डालूंगी। धागा हमारा इधर ही है, इसको ऐसे बुनेंगे तो यहाँ पे ये जाली पड़ जाएगी, तो एक फंदे से 2 फंदे हो गए। उसके बाद देखिए, इस धागे को ऐसे इधर लाए और यहाँ से फ्रोजी कलर का धागा लगा लिया। और यहाँ पे आप पेयर के हिसाब से जितने फंदे जो मैंने फ्रोजी डाले हैं वो आप जितने डालना चाहते हैं वो आप डाल लीजिए। उसके बाद आप बना लीजिए। ये देखिए, यहाँ तक बना लिया, 2 फंदे मैंने बिना बुने छोड़ दिए और यहीं से वापस पलट लूंगी इसको। कर देंगे तो इससे बुनेंगे ये 2 फंदे येलो से, और इसको ऐसे करेंगे ब्लैक से बुनेंगे इस तरीके से। ये देखिए, यहाँ से मैंने फिर से पलट लिया इसको और यहाँ से एक फंदा इधर से उतार लिया धागा अपने साइड मैक्रम, और ये 4 फंदे 3 ऐसे ही बुनेंगे, एक उतारा मैंने और इसको इधर कर देंगे येलो को आगे लाएंगे ऐसे, इधर ही रहेगा ये। और देखिए, इस फंदे पे जो ये मैंने बढ़ा हुआ फंदा इधर बनाया ऐसे किया, इस पे जाली डाली, जो फंदा ये सेंटर का है यहाँ पे रहेगा, चैन सी आ जाएगी, हम इसको इधर करेंगे। लास्ट में फिर से 2 फंदे छोड़ दिए और इसको यहीं से पलट लिया फिर से वापस। अब देखिए, इन फंदों को ऐसे ही बुनते जाएंगे, बड़े हुए फंदे भी ऐसे ही, और इसको इधर कर देंगे ब्लैक से बनाएंगे। फिर से पलट लिया। आप देखिए, इसी तरह से मैं 1, 2 ये 3 फंदे और छोड़ूंगी, और 2 ये बढ़ गए हैं, 3 और बढ़ेंगे यहाँ पे, और 5 फंदे ये हो जाएंगे, उसके बाद मैं दिखाऊंगी आपको। ये देखिए, लास्ट तक मैंने 2 फंदे तक इसको छोड़ दिया यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे हमारे पास ये 5 फंदे हो गए, एक मेरे पास था 4 बढ़ गए हैं, 2-2 करके मैंने छोड़े हैं, और ये जैसे बना रही थी वैसे ही बना रही हूँ मैं। अब देखिए, यहाँ से मैं एक फंदा उतार लिया, ये 4 फंदे ऐसे ही बुनूंगी जैसे बना रही हूँ, और देखिए इसको इधर करेंगे, इसको आगे लाएंगे, इसको इधर ही रखेंगे, ऐसे सीधा बुनेंगे। और देखिए, यहाँ पे मैं फिर से जाली डालूंगी, अभी मैं इनको और बढ़ाऊंगी, ये देखिए ऐसे इसको इधर करेंगे। अब इस रो में सभी फंदे मैं ऐसे ही उल्टे बना लूंगी, लास्ट तक जितने फंदे आपके पास हो आपको ऐसे ही बुनना है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसको बना लिया। अब देखिए, यहाँ से मैं कलर ऐड करूंगी, ये रेड वाला, तो यहाँ से मैं कलर ऐड कर लेती हूँ। फ्रोजी को मैंने यही छोड़ दिया, दूसरी कली मैं इस रेड कलर की बनाऊंगी। इसको इधर कर देंगे,
ताकि ये खुले नहीं। ये देखिए उल्टे तरफ से मैंने कलर ऐड किया है इसमें। ये देखिए यहाँ तक बना लिया और देखिए इसको इधर कर देंगे, इसको ऐसे। ब्लैक से ब्लैक को आप देखिए यहाँ से फिर से मैं इसको पलट लूंगी और यहाँ से उतार के कंधा और इसको भी उल्टा बनाऊंगी। देखिए इधर करके इसको अभी देखिए मेरे पास ये पांच फंदे बड़े हो गए। अब देखिए फिर से मैं एक फंदा बढ़ा लूंगी और यहाँ से इसको इधर करके रेड वाला आ गया। अब देखिए फिर से मैं ये कली बनाऊंगी पूरी दो दो फंदे छोड़ते हुए। ये देखिए यहीं से पलट लूंगी। अब देखिए इसी तरीके से मैं इसको पूरा कर देती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने ये बना के कम्प्लीट कर दिया, ये कली पूरी हो गई है। और देखिए एक दो तीन चार पाँच ये 10 फंदे हो गए। और देखिए यहाँ से हम इस फंदे को सीधा बुनेंगे। यहाँ तक मैंने ये ब्लैक बना लिए और यहाँ पे 10 फंदे हैं हमारे पास। एक और बढ़ाऊंगी मैं क्योंकि एक फंदा पहले से ही था मेरे पास, ये टोटल 10 बढ़ जाएंगे, एक हमारे पास रह जाएंगे। अब यहाँ से सभी फंदे इस रो में ऐसे ही बना देंगे उल्टे। ऐसे सभी फंदे बना दिए मैंने। आप देखिए यहाँ से फिर से फ्रोजी कलर लगा लूंगी। ये देखिए ये कली यहाँ से दूसरी स्टार्ट होगी और इन फंदों को देखिए अभी मैं इस रो में कम करूंगी। तो एक फंदा जो येलो था मेरे पास वो येलो ही बुनूंगी मैं। और यहाँ से देखिए जाली के पास से सभी फंदे ये ब्लैक वाला लगा के और ब्लैक से बना। बड़े हुए फंदे जो हैं उनको मैंने सभी को ब्लैक से बुन लिया और ये जो ब्लैक हैं इनको इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। आप देखिए यहाँ पे मैं सिर्फ ये मैंने जो चार फंदे रखे हैं वही छोड़ूंगी, बाकी सब क्लोज करूंगी। तो देखिए यहाँ से एक दो तीन चार पांच छह सात आठ और नौ दस। ये देखिए 10 फंदे मैंने यहाँ पे ये ऐसे बंद कर दिए। तो ये देखिए ऐसे लिपसी बन के कम्प्लीट हो गई। और यहाँ पे अब मेरे पास ये चार फंदे हैं ब्लैक के। आप देखिए फर्स्ट रो की तरह मैं बुनूंगी। ये चार फंदे मैंने बना लिए ऐसे और इसको इधर करेंगे और इसको आगे लाएंगे। तो यहाँ से फिर से मैं रिपीट करूंगी, यहाँ पे जाली डालूंगी। ये देखिए ये जाली पड़ गई है इस पे और यहाँ से मैं इसको आगे लाऊंगी और इस रो से फिर से दो दो फंदे छोड़ना स्टार्ट करूंगी। और इसी तरीके से देखिए मैं फिर से इसको कंप्लीट करती हूँ।